कहते हैं ना, अंधा आगे रस्सी बांटे और पीछे बछड़ा खाए। कुछ वैसा ही हाल हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्या किसी भी क्षण पीओके भारत में शामिल होने वाला है? बॉर्डर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कल, और भारत की तरफ से क्या निश्चित कर लिया गया है डेट तारीख कि कब आएगा पीओके? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पीओके के लोग मदर इंडिया कह के क्यों बुला रहे हैं भारत को? और इन सब के बीच में अफगानिस्तान पाकिस्तान से चीनी लोग क्यों भाग रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में गजब का धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है, लोग माने या न माने। कुछ तबका ऐसा है जो नहीं मानता है, पर उनके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे जो ये अभी के पीएम है ना, वो एक अलग सोच के तहत चलते हैं, और इनके रहते ये चीज तो जरूर समझ में आता है कि असंभव वाली चीजें जिसे हम गिनते थे वो आसानी से हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। 4000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है चाइना, और यहाँ पर बैठे हुए चाइना देख रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान से पाकिस्तान से चीनी लोग भाग रहे हैं। पाकिस्तान का एक प्रांत कट चुका है और उसका लाखों डॉलर डूब चुका है, करोड़ों डॉलर डूब चुका है। कल की घटना ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को हिला कर रख दिया, तो दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि पाकिस्तान का एक प्रांत कट गया है और वो प्रांत बलूचिस्तान है। एक तो इतना तगड़ा वाला हमला जिस पर कल तक उतनी डिटेल नहीं आई थी, पर आज डिटेल आ चुकी है कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक काफिला जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और सैनिक थे, ये गुजर रहा था और बलूचिस्तान विद्रोह ग्रुप से एक लड़का जिसने आत्मघाती बम लगाया हुआ था अपना मोटरसाइकिल लेकर आता है और सीधे पाकिस्तानी सेना के इस काफिले से टकरा देता है और यहाँ भयानक विस्फोट हो जाता है। पाकिस्तानी सेना आधिकारिक तौर पर कहती है कि 11 ऊपर गए हैं, लेकिन लोग जो आसपास के हैं वो ये कहते हैं कि 11 नहीं, बहुत सारे गए हैं। और स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी सेना भी इस इलाके में आना नहीं चाहती है। बलूचिस्तान ने ये करके साबित कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना और चाइनीज लोग वहां से निकलने की फिराक में है जल्दी से जल्दी। एक प्रांत बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये साफ साफ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पीओके के एरिया में भारतीय सेना के जवान पहुंचे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, पर हाँ ये वीडियो जरूर सर्कुलेट हुआ। अगर इसमें कोई सच्चाई भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पीओके के लोग अब खुद भी चाह रहे हैं भारत में उनका विलय हो जाए। यहाँ तक कि पीओके की जनता भारतीय सेना के साथ खड़ी है, और इसके लिए आप देख सकते हैं ये है एक एक्टिविस्ट पीओके के जो अयूब। पाकिस्तान हमारा नाम और निशान मिटाने के चक्कर में है, हमें पाकिस्तानी बना रहे हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, और उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भरपूर एहतजाज करके जवाब दिया जाएगा। मिर्जा नाम है इनका, और ये कहते हैं कि मदर इंडिया से हम जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब आपके मन में आएगा ये तो एक आदमी है, एक आदमी के कहने से क्या होता है? नहीं, इस एक आदमी के कहने से नहीं, इसका नजारा बॉर्डर पर देखने को मिला, और स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि भारतीय सेना को आना पड़ा। पर उससे पहले हरियाणा के इस मिनिस्टर का एक बयान जरूर सुनिए। इस बयान में इन्होंने कह दिया कि किसी भी क्षण पीओके भारत में शामिल हो सकता है, परिस्थितियां वैसी ही बन रही है। अब जरा देखिए, यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं पीओके में एक अलग नियम लेकर पाकिस्तान आ जाता है, रातों रात एक नियम लाता है, और रातों रात इस नियम के तहत कहता है कि पीओके की जितनी लड़की है, जितनी महिलाएं हैं जो स्कूल जाती है
सबको हिजाब पहनना पड़ेगा। हिजाब अगर नहीं पहना तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान से लोग गायब हो जाते हैं, पीओके को खाना पानी नहीं मिलता है। इसके अलावे भी पाकिस्तानी सरकार दमन करने के लिए आगे है। इसे ही कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना। पीओके की जनता भड़केगी नहीं तो क्या करेगी? कभी पीओके के लोगों को अपना माना ही नहीं। कब्जा तो कर लिया और कब्जा किया सिर्फ दोहन करने के लिए। अब फर्क उन्हें साफ दिख रहा है किस तरीके से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, किस तरीके की स्थिति पीओके के अंदर है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय सेना एक्शन ले ले और पीओके वापस से भारत में आ जाए। और इसके लिए आपको बता दें की जनता भरपूर सहायता कर देगी भारतीय आर्मी की। इसका नजारा भी देखने को मिला। पीओके की जनता कथित तौर पर पहुंच गई थी बॉर्डर, जहां पर ये भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना को बॉर्डर पर पहुंचना पड़ा और बॉर्डर से इन्हें वापस भेजना पड़ा। खैर अभी ये वक्त नहीं आया है, भारत जल्द ही एक्शन लेगा ये बात तो सच है, पर स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि सबसे ज्यादा खतरा चीनियों के ऊपर हो गया है और चीनी लोग यहाँ से भाग रहे हैं, अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो हर जगह से। पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने तो समझा दिया है कि यहाँ ज्यादा देर रहोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए चीनी लोग अब वहाँ से निकलने के चक्कर में हैं। तो वहीं अफगानिस्तान में लाख जतन कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती में इतना खजाना है कि अपने मन को मना नहीं पा रहा है पाकिस्तान। बार बार घूम फिर कर चला जाता है कि कोई डील फाइनल हो जाए, लेकिन जोखिम कितना बड़ा है कि लोंगान होटल, जिसे चाइनीज होटल के नाम से जाना जाता था, उसमें ही सिर्फ विस्फोट नहीं हो रहा है बल्कि अब तो चीनी नागरिकों को कहा जा रहा है कि जल्दी से निकलो यहाँ से, और यहाँ रहोगे तो खतरा होगा। अब जरा देखिए चाइना की स्थिति। पाकिस्तान में अपने कॉन्सुलर सर्विस हॉल को इसने बंद कर दिया और कहा कि अभी हम नहीं बता सकते हैं क्यों हमने बंद किया है, लेकिन हम ये बंद कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी अब कुछ ऐसी ही नौबत आ रही है चाइना के लिए। खैर ये तो होना ही था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।